गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अगेन अ न्यू टॉपिक इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हम अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी मिलने के ठीक बाद इतने प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिया बनाने का सपना सच करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, और कई जो जो उन्होंने मतलब प्रिंसली स्टेट्स को हमारे मिला है हमने उसके नाम जाने। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये भी जाना कि कैसे हैदराबाद और जूनागढ़ पर उन्होंने दबाव डालकर फिर हमारे में मिलाया, जो कि ज़रूरी था स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलत किया था, ये ज़रूरी था स्टूडेंट्स, क्योंकि हैदराबाद सोच रहा था कि पूरे इंडिया के बीच में एक और देश बनाने के निज़ाम लोग एक और देश बनाने के सपोर्ट में थे, लेकिन वो गलत था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे समझा और उस पर तुरंत कार्रवाई की, जो कि ज़रूरी थी। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि कैसे हैदराबाद और जूनागढ़ हमारे इंडिया में मर्ज हो गया। अब हम पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर एक वो स्टेट है जो आज़ादी के बाद से अब तक, इवन आज भी, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बना कर रखा है पाकिस्तान, चाइना और कुछ और इनके सपोर्टर्स ने। कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का, क्योंकि वहाँ के जो किंग थे राजा हरि सिंह, उन्होंने हमारे साथ मर्ज होने के लिए, यानी कि वो हमारे इंडिया में अपने स्टेट को मिलाने के लिए राज़ी हो गए थे, और उन्होंने एक साइन भी किया था, एक हमारे उनके बीच में ट्रीटी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान इसके ठीक अगेंस्ट में बोलता है, एंड वो कश्मीर पर इलीगल वे से कब्जा करने का कोशिश करता है। कश्मीर, तो द इशू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इनडिसिसिव, यानी कि जो कश्मीर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह कश्मीर के, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या फिर इंडिया में। मीनवाइल पाकिस्तान अटैक कश्मीर, और उसी समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड फॉर मिलिट्री असिस्टेंट टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तानी अटैक। तो पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि मिलिट्री का सपोर्ट मांगा इंडिया से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड द राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंड। मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा कि पहले आप, राजा हरि सिंह को कहा कि पहले आप हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट साइन कीजिए कि कश्मीर अब हमारे साथ मिल रहा है, तो हम यहाँ पर आके पाकिस्तानी इसको मार के भगाएंगे बुरी तरीके से। वन ऑफ द क्लॉजेज इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वॉज दैट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड फॉर परमानेंट मर्जर विद इंडिया। इमिडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड कश्मीर, बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर बाय दैट टाइम, बट द रेस्ट ऑफ द कश्मीर वॉज सेव्ड। India was registered a complaint against Pakistan in the Security Council of the United States. The Security Council suggested for ceasefire. Even today, Kashmir issue is a continuous issue in the relation between India and Pakistan. In this way, towards the end of 1948, political unity of India was established by various historical and non-violent movements. मतलब कि students, ये ट्रीटी साइन होने के बाद इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और पाकिस्तानी को रोका, लेकिन जब तक हम उन्हें रोकते तब तक वो 1/3 पार्ट पर कब्जा कर चुके थे। तो वो जो 1/3 पार्ट था वो कहलाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि POK, और जो बाकी का हिस्सा बच गया था 2/3, वो इंडिया का अपना स्टेट था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने, यानी कि इंडिया ने, फिर पाकिस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्लेन किया कि वहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहाँ से वो सीज़फायर कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था और वो हमारे साथ में नहीं था, तो इस पर कुछ ज़्यादा कुछ खास कार्रवाई नहीं हो सकी। और फिर स्टूडेंट्स, आज भी, इवन टुडे, आज भी सीज़ फायर का वायोलेशन करता है पाकिस्तान कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक के बॉर्डर पर। देन स्टूडेंट्स, मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज, यानी कि अब हम पढ़ते हैं कैसे फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनीज को हमने मर्ज किया। इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट ऑन January 26, 1950, बट सर्टन कॉलोनीज ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज रूल वर स्टिल अंडर देयर कंट्रोल। यूनियन ऑफ इंडिया अपील द फ्रेंच कंट्रोल्ड पॉन्डुचेरी एंड पोर्टुगीज कंट्रोल दीव दमन एंड गोवा टू मर्ज विद इंडिया। मतलब स्टूडेंट्स, फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनीज थे हमारे इंडिया में। मतलब फ्रेंच और पोर्टुगीज की कोई कंट्री नहीं थी, बट कि वो उनकी एक कॉलोनी थी। जैसे कि गोवा है, दमन है, दीव है, इन जगहों पर पोर्टुगीज ने कब्जा किया था और बहुत लंबे टाइम तक उन लोगों ने इसे कब्जा करके रखा था, क्योंकि उन्हें ट्रेड करना था यहाँ से, इंडिया से। फ्रेंच ने उस साइड, यानी कि हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ, मतलब साउथ में अब जब जाओगे तो ईस्टर्न साइड, यानी कि तमिलनाडु और उड़ीसा के जो जो पूरा सी कोस्ट है, वो फ्रेंच लोगों ने कब्जा करके रखा था। तो पुडुचेरी जो था, पुडुचेरी वो कंट्रोल था फ्रेंच के पास, और दमन दीव और गोवा ये था पोर्टुगीज के पास। स्टूडेंट्स, गोवा की एक खास बात ये है कि अगर आज मान लो कि आप अगर गोवा के रहने वाले हो एंड योर ग्रैंडफादर वाज बोर्न ड्यूरिंग द टाइम व्हेन पोर्टुगीज कंट्रोल्ड गोवा, यानी कि अगर पोर्टुगीज ने जब कंट्रोल की कर रहे हो, जब उनका कब्जा था गोवा पे, तब अगर आपके दादा या आपके परिवार में कोई भी पैदा हुआ होगा, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो पोर्टुगीज नागरिकता के लिए। पोर्टुगल का आप नागरिकता पा सकते हो अभी भी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स। पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज वॉन्टेड डेस्परेटली टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इन जगहों पर रहने वाले लोगों को बहुत ही उत्साह था इंडिया से जुड़ने के लिए। दे स्टार्टेड वेगोरसली मूवमेंट फॉर द पर्पस, और इसलिए वो बहुत ही तेजी से इस पर्पस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस दिस फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रेंच ने कोशिश किया कि हमें इसे दबा दे, कुचल दे। इन अ मैमोथ मीटिंग ऑर्गेनाइज एट पौडीचेरी, पीपल गिव द फ्रेंच गवर्नमेंट द हिंदू छोड़ो, हिंद छोड़ो, लिव इंडिया स्लोगन। मतलब कि मैमोथ मीटिंग जब हुआ था पौडीचेरी में, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को लोगों ने कहा हिंद छोड़ो, यानी कि लिव इंडिया स्लोगन दिया था ये। द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन फॉर पीसफुल सॉल्यूशन फॉर द पौडीचेरी इशू विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इशू को सॉल्व करने का कोशिश शुरू कर दिया। बट पीपल वर नॉट नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। इन यमन पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन देयर हैंड्स ऑन June 13, 1954। द फ्रेंच गवर्नमेंट रियलाइज पीपल्स रेज एंड वॉज कंपेल्ड टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर वर हैंडेड। इन सब जगहों को उन्होंने हमें वापस लौटा दिया था। ओवर टू इंडिया फॉर फर्दर रिकन्स्ट्रक्शन October 31, 1954 एंड फर्दर दे वर टेकन अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। और उसी के बाद फिर 1954 में October 31 को पौंडीचेरी को हमारे यूनियन टेरिटरी में ले लिया गया। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स पौंडीचेरी एंड हेड कराईकल एंड तमिलनाडु, माहे इन केरला, यानम इन आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर इन वेस्ट बंगाल। पांडिचेरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ऑल दिस टेरिटरीज, यानी कि कराईकल जो तमिलनाडु में है, माहे इन केरला, और यानम जो आंध्र प्रदेश में है, और चंद्रनगर जो वेस्ट बंगाल में है, इन सब यूनियन टेरिटरीज का एक ही हेड सेंटर है, वो है पांडिचेरी। देन स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मर्जर ऑफ दीव दमन एंड गोवा। 15 अगस्त 1947 की बात है ये सर। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।